हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 300 बेस्ट एमसीक्यू जो जनवरी के हैं उसका पार्ट टू। इसमें जो सेकंड वीक है जनवरी का उसके सारे करंट अफेयर हम कवर करेंगे जो सबसे अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओबिचुरी। ओबिचुरी मतलब होता है जब कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति उसकी डेथ होती है तो हम उसे श्रद्धांजलि देते हैं। तो अंग्रेजी में श्रद्धांजलि के लिए वर्ड होता है ओबिचुरी या ट्रिब्यूट। सबसे पहले एक कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट थे जिन्हें हम कैरिकेचरिस्ट भी बोलते हैं, कार्टूनिस्ट को, थॉमस एंटोनी, केरला के थे, इनकी डेथ हो गई। ओडिशा के पूर्व पार्लियामेंटेरियन यानी सांसद हम उसे बोलते हैं, या तो वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर रहा हो, गोपीनाथ गजपति नारायण देव, इनका निधन हो गया, नेता थे। मशहूर कन्नड़ भाषा के विद्वान और शोधकर्ता यानी रिसर्चर, स्कॉलर एंड रिसर्चर चिदानंद मूर्ति, इनकी डेथ भी हो गई। ओबेद सिद्दीकी, ये एनडीटीवी के प्रसारक थे, ब्रॉडकास्टर यानी प्रसारक, कवि भी थे उर्दू भाषा के और एकेडमिशियन थे, इनकी डेथ हो गई। कनाडा के मशहूर संगीतकार, म्यूजिशियन, ड्रमर नील पर्ट, इनकी डेथ भी हो गई। ओमान के सबसे लंबे समय तक राजा रहे सुल्तान कबूस बिन सायद, इनकी डेथ हो गई। ये जरूर आएगा एग्जाम में कि ओमान के राजा कौन थे बहुत लंबे समय तक, इनका नाम था कबूस बिन सैयद, सुल्तान कबूस बिन सैयद, इनकी डेथ हो गई। धाड़ी सिंगर, गायन का यानी सिंगिंग का एक टाइप है, प्रकार है धाड़ी, पंजाब से थे, ईदू शरीफ, इनकी डेथ भी हो गई। वेटरन आर्टिस्ट, कलाकार थे, चित्रकार, पेंटर अकबर पदमसी, इनकी डेथ हो गई। वेस्ट जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी, गोलकीपर थे ये, हेंस टिलकोस्की, इनकी डेथ हो गई। जब वेस्ट जर्मनी इंग्लैंड से हारा था 1966 वर्ल्ड कप फाइनल में तो ये उसमें भी खेले थे। वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम नाथ हूण, इनकी डेथ भी हो गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को यानी यूसीबी को ये परमिशन दी है कि वो अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकता है? ये है शिवालिक मर्केंटाइल बैंक। शिवालिक मर्केंटाइल जो बैंक है उत्तर प्रदेश का है, याद रखिए। इस बैंक, ये जो बैंक है ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। एक अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो आपको धन चाहिए 200 करोड़, और अगर आपको कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलना है तो आपको चाहिए 100 करोड़। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे होंगे? दो तरह के गेम होते हैं, एक होते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो तीसरी बार होंगे इस बार और ये गुवाहाटी में होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी गेम्स पहली बार होंगे और ये भुवनेश्वर में होंगे, ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। इनमें से कौन सी हमारी सेना है, अर्धसैनिक बल जिसे बोलते हैं सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF, जो 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी मनाएगी, ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाएगा CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और CISF ने सिक्योरिटी पीडिया को भी लॉन्च किया था, सिक्योरिटी पीडिया। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, मानव अंतरिक्ष उड्डयन केंद्र, ये कहां पे बनाएगा? ये पहले बनना था बेंगलोर में, अब बेंगलोर में नहीं बनेगा, अब ये बनेगा चेलाकेरे में। चेलाकेरे नाम की जगह है चित्रदुर्ग में, और चित्रदुर्ग है कर्नाटक में, तो आंसर है कर्नाटक, दोनों याद रखिए, चेलाकेरे और चित्रदुर्ग। नसीम अल बहार, ये कौन से देश के साथ हमारी नेवल एक्सरसाइज होती है? एक है नसीम अल बहार और दूसरी है जायर अल बहार। जायर अल बहार करते हैं हम कतर के साथ और नसीम अल बहार करते हैं हम ओमान के साथ, तो आंसर है ओमान। ओमान की राजधानी है मस्कट और कतर की है दोहा। एक बात याद रखिए, ओमान के साथ हम दो एक्सरसाइज और करते हैं, एक तो है हवाई युद्ध अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज, एयरफोर्स करती है, और एक है ओमान के साथ और जिसको बोलते हैं अल नगाहा, ये करती है आर्मी, राइट। ओमान ने हमको एक पोर्ट भी दिया जिसका नाम है डुकम, DUQM, डुकम बंदरगाह। कौन सा स्टेट है जो ये फेस्टिवल मना रहा है? जो कटपुई। जो कटपुई फेस्टिवल कम से कम 10 राज्यों में भारत के मनाया जाएगा, और इस इनफैक्ट विदेशों में भी मनाया जाएगा, जैसे अमेरिका, बांग्लादेश वगैरह में भी मनाया जाएगा। ये फेस्टिवल है मिजोरम का, मिजोरम इंपॉर्टेंट, मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से जो शुगर इंटेक है भारत में वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, किस शहर में, किस शहर में लोग सबसे ज़्यादा चीनी का सेवन करते हैं शुगर? ये है मुंबई, तो मुंबई है नंबर 1
और अहमदाबाद है नंबर टू। मुंबई से अहमदाबाद भारत की दूसरी प्राइवेट तेजस एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट हुई है IRCTC, और IRCTC के चेयरमैन हैं MP माल, महेंद्र प्रताप माल। और आपको बता दूं ICMR ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है बायोकॉन कंपनी की जो मालिक हैं उन्हें, महिला हैं, इनका नाम है किरण मजूमदार शॉ, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। ठीक है, एक बात और, ये जो रिपोर्ट दी है ICMR ने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो हैदराबाद में है, दोनों ने मिलकर दी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कौन सा ब्लॉकचेन पर आधारित एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है जिससे जो पैसों का लेन देन है उसे ज़्यादा पारदर्शी, सिक्योर और तेज़ बनाया जा सके। इस प्लेटफॉर्म का नाम है वज्र। और वज्र, एक बात याद रखिए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि वज्र कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। वज्र जिस टेक्नोलॉजी पर काम करेगा उसको नाम दिया गया है, ये नाम अच्छे से याद कर लो, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, DLT, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर LEDGER टेक्नोलॉजी। तो वज्र इस टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। जोरान मिलानोविच ये कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति। क्रोएशिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं, क्रोएशिया की राजधानी जैग्रेब है, और क्रोएशिया के एक फुटबॉल खिलाड़ी याद रखिए जिनका नाम है लुका मॉड्रिच। और लुका मॉड्रिच को अभी अभी गोल्डन फुट पुरस्कार भी मिला है, गोल्डन बूट नहीं, गोल्डन बूट मिला है लियोनल मेस्सी को, मैं बात कर रहा हूँ गोल्डन फुट। तो दोनों अवार्ड अलग अलग हैं, गोल्डन फुट और गोल्डन बूट। पहला स्टेट कौन सा है भारत में जिसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया है और ये जो माइग्रेंट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर रहा है सिटीजनशिप के लिए, यानी तीन देशों से आए हुए जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट कर रहा है, उनकी सूची बना रहा है कि किस किस को नागरिकता मिलनी चाहिए। तो पहला राज्य भारत में जिसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अपनाया है वो है उत्तर प्रदेश, और पहला राज्य भारत का जिसने इसे नकारा है वो है केरल। केरल तो इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी ले गया है केंद्र सरकार को। इंश्योरेंस नियामक, बीमा नियामक जो कंपनी है, इंश्योरेंस रेगुलेटर जिसको बोलते हैं IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने जितनी भी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उन्हें एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करने को कहा है, इसका नाम क्या होगा? यानी जितनी भी भारत की जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो एक ही पॉलिसी देंगी, और वो उसका नाम रखा गया है आरोग्य संजीवनी 18 से 65 साल तक के लोगों के लिए है, यानी 18 से 65 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप आरोग्य संजीवनी पॉलिसी को ले सकते हो। दूसरी बात, इसमें मिनिमम आप 1,00,000 और मैक्सिमम 5,00,000 रुपये तक का बीमा करा सकते हो। IRDAI के चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। ये किताब किसने लिखी है? ककूज नेस्ट। ये वैसे तो मलयाली भाषा के कवि हैं, इनका नाम है सेतु माधवन। इनकी पहली इन्होंने किताब लिखी है जो इंग्लिश में, इसका नाम है द ककूज नेस्ट। ककू एक पक्षी होता है, तो ये कोयल की तरह दिखता है ये पक्षी ककू, तो कोयल का घोंसला द ककूज नेस्ट। और एक नेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, चलो क्या आप बता सकते हो एक नेस्ट नाम का प्लेटफॉर्म भारत के कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? शहीद अशफाकुल्ला खान चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? भारत के शहीद अशफाकुल्ला खान के नाम पर यह बनेगा गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश की सरकार बना रही है गोरखपुर में, और गोरखपुर में ही उत्तर प्रदेश का पहला 2G इथेनॉल प्लांट भी लगा है, और गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है महाराजगंज में यूपी में, किन्नरों के लिए विश्वविद्यालय बना है कुशीनगर में। इनमें से भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे ग्लोबल एक्टिव सिटी डिक्लेयर किया गया है? ग्लोबल एक्टिव सिटी डिक्लेयर होने वाला भारत का पहला शहर है बोकारो, बोकारो झारखंड में है, यहाँ पे स्टील प्लांट भी है, और एशिया का दूसरा। तो एशिया का पहला कौन सा है? इस शहर को बोलते हैं कारासियाका। कारासियाका शहर है टर्की का, ये एशिया का पहला है। इनमें से किस व्यक्ति ने एक नया पुरस्कार शुरू करा है, प्राइज शुरू करा है, जिसका नाम है अर्थ शॉट प्राइज। ये किसने शुरू करा है? ये प्रिंस विलियम ने शुरू करा है। ये उनको दिया जाएगा जो पर्यावरण यानी एनवायरमेंट के क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम करेंगे। बक्सा पक्षी त्यौहार, बक्सा बर्ड फेस्टिवल, ये भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया? बक्सा नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, बक्सा नेशनल पार्क, तो आंसर है वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पे ही हुआ। और एक बर्ड फेस्टिवल और हुआ था अभी
वो हुआ था पुलिकट लेक पे, आंध्र प्रदेश में है पुलिकट झील, उसका नाम है फ्लेमिंगो बर्ड फेस्टिवल। फ्लेमिंगो एक पक्षी का नाम है तो उसी के नाम पे इसको फ्लेमिंगो बर्ड फेस्टिवल भी कहा जाता है। इंडियन नेवी जो है उन्होंने एक एक्सपेडिशन लॉन्च करा है जिसका नाम है महानेवी कनेक्ट। ये कहाँ पे होगा? महानेवी कनेक्ट, महानेवी कनेक्ट किया है नेवल डॉकयार्ड मुंबई में, सो आंसर है मुंबई। और मुंबई जो है वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है। नेवी में तीन नेवल कमांड होते हैं, वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, और सदर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर है कोची केरला। इनमें से कौन सा स्टेट है जो पहली बार स्नो लेपर्ड सर्वे करा रहा है, यानी गिनेगा कितने हिम तेंदुए हैं यहाँ पे? वैसे तो स्नो लेपर्ड स्टेट एनिमल है हिमाचल का, लेकिन स्नो लेपर्ड सर्वे करा रहा है पहली बार उत्तराखंड। उत्तराखंड में दो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, एक तो है नंदा देवी और एक है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पे दो टाइगर रिजर्व हैं, एक तो है राजा जी और एक है जिम कॉर्बेट। कौन सा आईआईटी है भारत का जिसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे हाइड्रोजन फ्यूल जनरेट किया जा सकता है वाटर से? ये करके दिखाया है आईआईटी मंडी ने, और आईआईटी मंडी है हिमाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की। गोल्डन ग्लोब अवार्ड ऑस्कर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड माने जाते हैं, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड से एक क्वेश्चन आप श्योर शॉट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो जो मैं बताऊं बस उतना ही आपको पढ़ना है, सिर्फ सात अवार्ड्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले बेस्ट फिल्म। अब देखिए बेस्ट फिल्म भी दो कैटेगरी होती है, एक ड्रामा कैटेगरी होती है और दूसरी होती है म्यूजिकल या कॉमेडी। तो ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट फिल्म है 1917। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? बेस्ट एक्ट्रेस हैं रेनी जेलवेगर, इन्होंने जूडी फिल्म में काम किया। बेस्ट एक्टर तो याद रखना आसान है, जोकर फिल्म में जोकर की भूमिका निभाई, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्हें मिला है, जोकिन फिनिक्स। और मैंने आपको बताया था दो कैटेगरी होती है, म्यूजिकल या कॉमेडी और दूसरी ड्रामा। तो ड्रामा में बेस्ट फिल्म थी 1917, और 1917 के डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सैम मेंडेस। और बेस्ट फिल्म म्यूजिकल या कॉमेडी कैटेगरी में जो है वो है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। इसके अलावा आजीवन उपलब्धि पुरस्कार यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले हैं दो कैटेगरी में, एक होता है मैन को मिलता है और एक वुमेन को मिलता है। तो जो पुरुषों को मिलता है मैन को, उस अवार्ड को बोलते हैं सेसिल बी डेमिल अवार्ड, सेसिल बी डेमिल अवार्ड, ये मिला है टॉम हैंक्स को। और दूसरा है कैरल बर्नेट अवार्ड, ये मिला है एलन डी जेनेरिस को, एलन डी जेनेरिस। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का नया नोटिफिकेशन आया है, उसके हिसाब से अगर आप कोई नया एसी खरीदेंगे तो उसमें पहले से कितने टेम्परेचर के ऊपर वो सेट किया हुआ होगा? ये टेम्परेचर होगा 24 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इतना ही रिक्वायर्ड होता है। अगर आप एसी बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं तो वो आपकी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है और उसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा खर्च होती है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्हें सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क में डाल देगी अगर उनका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो कितने परसेंट से ज़्यादा हो गया। तो याद रखिए, अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उनका 9% से कम हो जाए या नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो 6% से ज़्यादा हो जाए, तो एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क में डाला जा सकता है, यानी कई तरह के अंकुश इनके ऊपर लगाए जा सकते हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो देखिए हिंदी में, उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है ये सब क्या होता है। हमारा जो गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने एक किताब रिलीज करी है, कर्मोदय ग्रंथ। ये किस व्यक्ति के जीवनी है? ये है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की जीवनी, कर्म और योद्धा ग्रंथ। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खुद भी किताब लिखी हुई है जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर, और इसको अभी ब्रेल लैंग्वेज में भी इनॉग्रेट किया गया था, लॉन्च किया गया था 4 जनवरी को, जो कि होता है वर्ल्ड ब्रेल डे। सरबजीत कौर पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये कौन सा खेल खेलती हैं? ये रेसलर हैं, रेसलर हैं नहीं, ये वेट लिफ्टर हैं, याद रखिए। ठीक है, सरबजीत कौर कौन है? भारतोलन की खिलाड़ी है, वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है। यहाँ पे आपको वेट लिफ्टिंग की एक और खिलाड़ी बता दूँ, उनका नाम है मीराबाई चानू। ये पुरस्कार, ये भी याद रखिए, इन्हें कई पुरस्कार मिले हुए हैं, राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला था इन्हें पिछले साल। तो मीराबाई चानू जो खिलाड़ी हैं ये मणिपुर की हैं, और अभी अभी नवंबर के महीने में, 2 महीने पहले कतर में हुआ वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो सरबजीत कौर हैं वेटलिफ्टर। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सुनील शेट्टी को, सुनील शेट्टी। कौन सा स्टेट है जहाँ पे बन रहा है विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर? देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम केरल में है, ठीक है, लेकिन विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर बन रहा है गुजरात में, गुजरात में बन रहा है।
और इसको किसके साथ मिलकर बना रही है गुजरात सरकार, यूनिसेफ के साथ मिलकर बना रही है, यूनिसेफ। और गुजरात के सुरेंद्र नगर में अभी अभी की जिसे बोलते हैं खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी KVIC, वो क्या बना रहा है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये बना रहा है सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट यानी कि रेशम प्रसंस्करण केंद्र। इनमें से कौन सा संगठन है भारत का जो फार्मर इनोवेशन फंड बना रहा है जिससे एग्रीकल्चर में इनोवेशन किया जा सके, नवाचार किया जा सके, ये संगठन है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और आपको बता दूं इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है त्रिलोचन मोहपात्रा, ये नाम याद रखिए, भूलिए मत, त्रिलोचन मोहपात्रा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से हमारा GDP कितना ग्रो करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से पहले बोल रहे थे 5%, कम करके कर दिया है 4.6। तो अभी जो साल खत्म होने वाला है 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर 2020, उसमें हमारा GDP ग्रो करेगा 4.6। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, रजनीश कुमार। और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के हिसाब से हमारा GDP कितना ग्रो करेगा, इनके हिसाब से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी 5%। फिफ्थ पल्सिस कॉन्क्लेव कहां पे हुआ, पल्सिस मतलब दाल, और दाल उत्पादन में नंबर वन राज्य है मध्य प्रदेश, और ये हुआ लोनावला में, लोनावला है महाराष्ट्र में। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 9 जनवरी को, ये कौन सा संस्करण था यानी कौन सी बार मनाया गया, ये तो ये 16वीं बार मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत में, तो उनके आने से हमारी फ्रीडम मूवमेंट को, स्वतंत्रता की जंग को एक नई दिशा मिली थी। ये वो वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। 2003 में पहली बार ये मनाया गया था। और एक बात और याद रखिए कि जो विदेश मंत्रालय है वो इसे मनाता है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारा GDP कितना ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 2020 में, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ग्रो करेगा 5%। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मेलपस, ये अमेरिका से हैं। किस किताब को अभी अभी मिला है कोस्टा चिल्ड्रंस अवार्ड, ये किताब है आशा एंड द स्पिरिट बर्ड, आशा एंड द स्पिरिट बर्ड, ये लिखी किसने है, ये इनकी पहली किताब है और इसी के लिए इन्हें मिल गया कोस्टा चिल्ड्रंस अवार्ड। बच्चों की किताब के लिए मिलता है कोस्टा चिल्ड्रंस अवार्ड, इसको लिखा है जसबिंदर बिलान ने, जसबिंदर बिलान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, पहले था 86, अब हो गया है 84, तो आंसर 84। सबसे ताकतवर पासपोर्ट है जापान का, अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप 191 कंट्रीज को विजिट कर सकते हो, वो भी बिना वीजा के। मिनाती मिश्रा, इनकी डेथ हो गई, ये कौन सा क्लासिकल डांस करती थी, ये करती थी ओडिशी, और ओडिशी जो है ये ओडिशा का क्लासिकल डांस है, कथक नॉर्थ इंडिया का डांस है, कथकली केरला का है, कथकली और मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा भरतनाट्यम भी पूछते हैं, वो है तमिलनाडु का। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भारत के जो कोर्ट हैं उनकी रक्षा कौन करेगा, कौन सा सिक्योरिटी फोर्स करेगा, ये हमारी सरकारी कंपनी और एयरपोर्ट की रक्षा करता है, इसको बोलते हैं CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हमारे पोर्ट्स की भी रक्षा करेगा। जो मिलन नेवल एक्सरसाइज है ये कहाँ पे होगी, मिलन एक्सरसाइज में इंडिया दूसरे कंट्रीज को भी इन्वाइट करता है, ये विशाखापट्टनम में होगी। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, इसका एक थीम भी है, इसका थीम है सिनर्जी अक्रॉस द सीज, पहले लिख लीजिए फिर मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा, इसका मतलब क्या होता है, सिनर्जी अक्रॉस द सीज यानी कि समुद्र में सामंजस्य, समुद्र में समन्वय, ठीक है, सिनर्जी मतलब सामंजस्य या समन्वय, सिनर्जी अक्रॉस द सीज। माधवपुर मेला ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये माधवपुर नाम की जगह है पोरबंदर में, और पोरबंदर है गुजरात में, तो आंसर है गुजरात, गुजरात में लगेगा माधवपुर मेला अप्रैल के पहले हफ्ते में, तो ये 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल को इस बार रामनवमी है तो 2 अप्रैल से एक दिन बाद रामनवमी के ये शुरू हो जाएगा माधवपुर मेला। और एक बात याद रखिए, माधवपुर मेला जो है ये अरुणाचल प्रदेश की मिशमी प्रजाति भी इससे एसोसिएटेड है, ठीक है ना, जो मिशमी ट्राइब है ऐसा माना जाता है कि उसका संबंध भी इस त्यौहार से है। भारत में जो क्राइम है क्या वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो रिपोर्ट आई है NCERT की 2018 के लिए, इसमें ये बताया गया है कि अगर 2017 से कंपेयर करें तो भारत में क्राइम बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है, कितने परसेंट, ये है 1.3%। कौन सा इंडियन सिटी है जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, ये कहा है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, तो ये है मल्लापुरम, मल्लापुरम है केरल में, इसको ममल्लापुरम के साथ कन्फ्यूज मत करना, ममल्लापुरम है जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से मिले थे, और ये तमिलनाडु में, मैं बात कर रहा हूँ मल्लापुरम की ना कि ममल्लापुरम की। कौन सा स्टेट है
जिसने लोन एग्रीमेंट साइन करा है KfW के साथ, जिसे जर्मनी डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। इस बैंक का हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में, और फ्रैंकफर्ट में ही हेडक्वार्टर है यूरोपियन सेंट्रल बैंक का। तो 711 करोड़ का लोन कौन से स्टेट को मिल रहा है? जर्मनी डेवलपमेंट बैंक से, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, यानी प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए ये लोन मिल रहा है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश। कौन से बैंक ने ये मोबाइल ऐप लॉन्च करी है? माई ऐप्स। माई ऐप्स को लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक के CEO हैं आदित्य पुरी और चेयरमैन हैं श्यामल गोपीनाथ। पेड्रो सांचेस, ये कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये बने हैं स्पेन के प्राइम मिनिस्टर। स्पेन की कैपिटल है मड्रिड। यहाँ के खिलाड़ी एक याद रखिए, रफाइल नडाल, जो टेनिस खेलते हैं। चलिए, स्पेन के एक व्यक्ति आपको कमेंट्स में लिख के बताना है जो मोटर बाइक में वर्ल्ड चैंपियन है। मोटर बाइक वर्ल्ड चैंपियन स्पेन के, उनका नाम क्या है? अम्मा वोड़ी स्कीम, यानी माँ का आंचल, इसको बोलते हैं तेलुगु भाषा में माँ का आंचल, इंग्लिश में बोलते हैं मदर्स लैप। ये योजना कौन से राज्य ने शुरू करी है? इसमें जो मदर हैं, जो माँ हैं, उन्हें 15,000 रुपये मिलेंगे, जिससे वो अपने बच्चे को उसका पालन पोषण कर सकें। ऐसी ही एक योजना यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, कन्या सुमंगल योजना, पर उसमें तभी मिलेंगे जब लड़की जन्म लेगी, उसमें भी 15,000 रुपये मिलेंगे एक साल में। तो ये अम्मा वोड़ी स्कीम जो है ये स्टार्ट करी है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। कौन सा राज्य है भारत का जिसने एक अदालत बनाई है अलग से LGBT समुदाय के लिए, जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर हैं, किन्नर, समलैंगिक और जो विपरीत लिंग व्यवहार उत्सुक, ये जो लोग हैं, इनके लिए अलग से अदालत बनाई है केरल गवर्नमेंट ने। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ये किताब किसने लिखी है? पैक सेनिका। ये भारत और चाइना के ऊपर है ये किताब, पैक सेनिका। इसको लिखा है दो लोगों ने मिलके, मेन है समीर सरन और साथ में है अखिल देव। समीर सरन और अखिल देव। मुपा वरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस किसे मिला है? राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, जिसका नाम है मुपा वरप्पू वेंकैया नायडू। इसका नाम उपराष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। ये मिला है डॉक्टर स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं इंडिया में। फॉक्सटेल ऑर्चिड को अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों में लाने वाला राज्य कौन सा है? ये ऑर्चिड जो ब्यूटीफुल पौधे होते हैं, बहुत ऑर्चिड, इनके फूल बहुत खूबसूरत होते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं लोगों में इन्होंने ऑर्चिड को लगा दिया, क्योंकि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो ऑर्चिड स्पीशीज़ हैं वो है अरुणाचल में, तो अरुणाचल प्रदेश ने इसीलिए अपने लोगों में ऑर्चिड को रख लिया है। और अरुणाचल प्रदेश में 35% ग्रेफाइट होता है भारत का। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जो पुलिस व्हीकल है रायट से निपटने के लिए, एंटी रायट पुलिस व्हीकल वज्र स्टार्ट हुई है, और वज्र एक प्लेटफॉर्म भी है जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करा है। होलोंगी नया एयरपोर्ट बन रहा है अरुणाचल में, होलोंगी एयरपोर्ट ईटानगर के पास बन रहा है, कैपिटल के पास। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू। यहाँ पे दीक्षी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बन रहा है, दीक्षी जल विद्युत परियोजना, ये फुडोंगटो नदी पर बन रहा है। इसके अलावा दो नए पुल बने हैं अरुणाचल में, सिसैरी और राबंग। पहला हिंदी अखबार स्टार्ट हुआ अरुणाचल में, जिसका नाम है अरुण भूमि। और अरुणाचल प्रदेश में पहला बायर सेलर कॉन्फ्रेंस हुआ एग्रीकल्चर में। एक बात याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश में कमलांग टाइगर रिजर्व भी है और नाम डफा, जिसे नाम डफ भी बोलते हैं, ये भी एक टाइगर रिजर्व है और पक्के टाइगर रिजर्व भी है। अभी अभी कौन से राज्य की आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को मिला है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस, राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय? ये है गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने कौन सी स्कीम अप्रूव करी है? इसमें जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इंडिया का, वन विभाग, वो पेड़ लगाने की जिम्मेदारी गैर सरकारी संगठनों को दे सकता है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू पेड़ लगवा सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आउटसोर्स कर सकता है। तो इस स्कीम का नाम है ग्रीन क्रेडिट। ग्रीन क्रेडिट। भारत में सबसे ज़्यादा जो जंगल हैं फॉरेस्ट कवर, वो है मध्य प्रदेश में। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव यानी नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ पे होगा? नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है नेशनल यूथ डे पे अनाउंस हुआ था, तो 12 जनवरी को जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, जिसे हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं, ये फेस्टिवल लखनऊ में आयोजित किया गया और यहाँ पे शिरकत की किरण रिजिजू ने, जो हमारे खेल मंत्री हैं। इसको एक्चुअली खेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर आयोजित किया था। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था फिट यूथ फिट इंडिया। फिट यूथ फिट इंडिया। कौन सा कंट्री है जो 500 बस खरीद रहा है इंडिया से $15 मिलियन में? ये कंट्री है श्रीलंका।
श्रीलंका भारत से 500 बस खरीद रहा है और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोट भैया राजपक्षे, इंडिया आए थे, इंडिया ने $400 मिलियन का लोन दिया श्रीलंका को और 50 मिलियन और दिए टेररिज्म से निपटने के लिए। श्रीलंका भारत में बनी हुई ट्रेन भी चला रहा है जिसका नाम है पुलाथिसी एक्सप्रेस। हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया, यहाँ पे कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन जाके अगर कोई साइबर क्राइम है तो उसको रिपोर्ट कर सकता है। भारत के जो कॉप ऑफ द ईयर हैं वो मिला है बीपी राजू को, भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉप है, साइबर कॉप है ये सीबीआई के, तो ये भी याद रखना है आपको। और भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन है एबरडीन अंडमान निकोबार में, तो ये बना है नई दिल्ली में। कौन सा बैंक है जिसने अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस को खरीद लिया है? अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस में 50% से ज़्यादा हिस्सा खरीदा है HDFC बैंक ने और HDFC एर्गो के साथ मिलकर काम करता है, तो अब अपोलो म्यूनिक का नया नाम हो गया है, अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस का नया नाम हो जाएगा HDFC एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस। विश्वास, नेत्रंग और आश्वस्त, ये प्रोजेक्ट हैं भारत के कौन से स्टेट के? ये हैं गुजरात के। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बता दूं, विश्वास जो है ये सिक्योरिटी के लिए है, इसकी फुल फॉर्म है वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी। नेत्रंग प्रोजेक्ट है जहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन रहे हैं गुजरात के 33 डिस्ट्रिक्ट्स में, और आश्वस्त है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। यशस्विनी योजना महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए कौन से स्टेट ने स्टार्ट करी है, इसको लॉन्च किया स्मृति ईरानी ने, तो ये गोवा ने स्टार्ट करी है। गोवा की कैपिटल है पंजिम और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। यहाँ पे मोलम नेशनल पार्क भी है, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। मोलम नेशनल पार्क को भगवान महावीर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या हो गया है? कोलकाता पोर्ट का नया नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये बीजेपी के यानी जनसंघ के फाउंडर थे जो बाद में बीजेपी हो गई थी। और कोलकाता पोर्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल में दो ही पोर्ट हैं, हल्दिया और कोलकाता। इसके अलावा जो चेनानी नशरी टनल है जम्मू कश्मीर में, उसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। लेकिन यहाँ पे आप ये याद रखिए, रोहतांग टनल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। साई इंग वैन, ये कौन से देश की राष्ट्रपति बनी है? ये बनी है ताइवान की राष्ट्रपति, साई इंग वैन। ताइवान की कैपिटल है ताइपी। धर्मेंद्र प्रधान, ये इन्होंने लॉन्च करा है कौन सा मिशन ईस्टर्न इंडिया को इंटीग्रेटेड स्टील हब बनाने के लिए? ये मिशन है पूर्वोदय। पूर्वोदय हमारे स्टील, तेल, गैस सबके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और ये स्टील प्लांट है इंडिया में, बोकारो जमशेदपुर है झारखंड में, दुर्गापुर स्टील प्लांट है वेस्ट बंगाल में, राउरकेला है ओडिशा में, भिलाई है छत्तीसगढ़ में, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, विजयनगर और भद्रावती हैं कर्नाटका में, और सलेम है तमिलनाडु में। ये मेन स्टील प्लांट है हमारे सबसे बड़े। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? इसको जीता है जापान के खिलाड़ी केंटो मोमोटा ने। इन्होंने फाइनल में हराया विक्टर एक्सेलसन को। विक्टर एक्सेलसन डेनमार्क के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है विक्टर एक्सेलसन। ये भी बहुत महान खिलाड़ी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है ये कौन सा खेल खेलते हैं और कौन से कंट्री के हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है, मलेशिया की कैपिटल में। विंग्स इंडिया कहाँ पे होगा? ये एक प्रदर्शनी होगी सिविल एविएशन सेक्टर की, नागरिक उड्डयन विभाग की, तो विंग्स इंडिया होगा हैदराबाद में, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। पे सेंस कंपनी को किसने खरीदा है? पे सेंस कंपनी को खरीदा है पे यू ने, और पे यू कंपनी किसकी है? नेस्पर्स की, नेस्पर्स। भारत जो है वो 250 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मैरिटाइम इकोनॉमी बनना चाह रहा है, समुद्री अर्थव्यवस्था कब तक? ये है 2024 तक। और भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब तक बनना चाह रहा है? इसको ऐसे लिखते हैं 2024-25, तो इसका मतलब है 31 मार्च 2025 तक। भारतीय मूल की कौन व्यक्ति है जो अमेरिका में जज बन गई है शिकागो में? गोरखपुर की है ये, इनका नाम है सामिया नसीम। सामिया नसीम, वैसे इनका जन्म जो है वो गोरखपुर में नहीं हुआ, लेकिन इनके फादर जो हैं वो गोरखपुर के गीता प्रेस एरिया में रहती थी। इनके जो फादर हैं गोरखपुर में गीता प्रेस एरिया में रहते थे, सामिया नसीम। कौन से क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें पॉली उमरिगर अवार्ड मिला है? पॉली उमरिगर अवार्ड मिलता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, जो साल का बेस्ट खिलाड़ी होता है, तो महिलाओं में है पूनम यादव। पूनम यादव को अर्जुन अवार्ड भी मिला था, हरियाणा की हैं ये और स्पिन बॉलर है। और पुरुषों में है जसप्रीत बुमराह, ये दो बेस्ट खिलाड़ी रहे इस साल। और एक होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसका नाम रखा है सीके नायडू के नाम पे, वो मिला है क्रिश श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को, क्रिश श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा। और एक होता है उभरता खिलाड़ी, तो वो अवार्ड मिला है मयंक अग्रवाल और शेफाली वर्मा को। तो 6 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं आपको, पूनम यादव और जसप्रीत बुमराह बेस्ट खिलाड़ी रहे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला क्रिश श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को, और मयंक अग्रवाल और शेफाली वर्मा इनको मिला है एमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड यानी बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू का अवार्ड। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड मिला है?
यानी जो प्लास्टिक अपशिष्ट है, प्लास्टिक कचरा, उसके प्रबंधन के लिए अवार्ड मिला है स्वच्छता ही सेवा के दौरान। ये है असम का डिब्रूगढ़, असम का डिब्रूगढ़। एक और याद रखिए, तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है कामारेड्डी, कामारेड्डी को मिला है यूनिसेफ अवार्ड। अगेन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, स्वच्छता, स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान को लागू करने के लिए। और तेलंगाना का एक जिला और याद रखिए, पेड्डापल्ली, पेड्डापल्ली को मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में नंबर वन डिस्ट्रिक्ट आने के लिए अवार्ड। पेड्डापल्ली ये नंबर वन रहा। ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया, तो ये अवार्ड मिला है इंदु जैन को। ये चेयरमैन है बेनेट एंड कॉलमैन की, जो अखबार प्रकाशित करता है टाइम्स ऑफ इंडिया। कौन सा कंट्री है जहां जो गेस्ट, चीफ गेस्ट होगा पेरिस बुक फेयर में? पेरिस जो है हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, ठीक है ना, और FATF का, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का। तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर पेरिस में, पेरिस बुक फेयर, और पेरिस में ओलंपिक खेल भी होंगे 2024 में। तो ये है इंडिया, इंडिया गेस्ट ऑफ ऑनर मैक्सिको बुक फेयर और आबू धाबी बुक फेयर में भी था। सो ये हमारा वीडियो था आज का, लेकिन खत्म करने से पहले आपको बता दूं, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया गया और राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को। और यहाँ पे मैंने लास्ट स्लाइड पे जो जनवरी के सबसे इंपॉर्टेंट डे हैं वो लिख दिए हैं, जैसे प्रवासी भारतीय दिवस, नेशनल यूथ डे, नेशनल आर्मी डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, बहुत इंपॉर्टेंट है 24 जनवरी, नेशनल टूरिज्म डे या वोटर्स डे, रिपब्लिक डे और मार्टर्स डे। तो ये आप एक बार जरूर देख लेना लास्ट स्लाइड पे। सो ये था हमारा वीडियो जनवरी का पार्ट टू, बेस्ट 300। आने वाले सारे एग्जाम में आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। देखते रहिए स्टडी IQ प्रीमियम। टेक केयर।